हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ सारी सीडलिंग जो कि मदर ने छोटे छोटे सीड से ग्रो की। और ये जितने भी प्लांट हैं सारे मेरी मदर ने ग्रो किए हैं सीड से। और ये जो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ, एक काफ़ी बड़ा टब है, उसमें लगे हुए हैं ये खीरे के पौधे जो बेलें होती हैं, तो इसमें फूल भी खिल रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि खिलेंगे, इस पर बनेंगे जो भी होता है वेजिटेबल खीरा, क्योंकि एक तो सीज़न नहीं है और ऊपर से इसको रीप्लांट नहीं किया है। इसमें इतनी जगह इसको मिल नहीं रही होगी रूट्स को फैलने में। लेकिन जो फूल है, फूल इस पर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, हर पौधे पे फूल आए हुए हैं और साथ में ड्राई भी हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी फ्रूटिंग इस तरह की होगी, तो होगी भी तो एक आध होगी क्योंकि सीज़न वैसे ही ऑफ हो चुका है इनका। तो ये तो पहली है, उसके बाद है ये टमाटर और मैरीगोल्ड, और साथ में ये मुझे लग रहा है कि ये कॉस्मोस के हैं। और साइप्रस तो वैसे ही उगाती है, तो ये मैरीगोल्ड है और ये टमाटर के हैं और साथ में शायद विन का भी है। तो ये एक अलग ही सीडलिंग की हुई है, इसमें एक जो स्टूल होता है उसको उल्टा करके, शायद ये टूट गया होगा तो उल्टा करके इसमें मिट्टी डाली हुई है और इसमें ये सारे पौधे जो है छोटे छोटे से लगाए हुए हैं। ये भी एक तरह का सीड ही है, ये सर्दियों में फूल होता है, इसका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन पिंक पिंक कलर के इसी शेप में इसमें शायद फूल आते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वही प्लांट है। तो ये भी शायद लास्ट ईयर होगा तो उससे ये ग्रो हो चुका है। और इधर पुल का है, ये काफ़ी लगी लगी से हुए हैं, तो ये पता नहीं यहाँ पर कैसे ग्रो होते हैं, या तो इनकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, ऐसे पत्ते इसके श्रिंक होते रहते हैं। तो मदर के पास काफ़ी सारे हैं रेड और ग्रीन, लेकिन अच्छी ग्रोथ नहीं है। और इसमें भी ये पेटूनिया की शायद सीडलिंग है, ये तो शायद खुद ही हुए पड़े हैं। और ये एक जो प्लांट होता है इसका मैं हमेशा नाम भूल जाती हूँ, इसमें येलो कलर के फूल आते हैं, ये इसमें कलर अपने आप डबल हुआ पड़ा है। तो ये भी बीज से ग्रो होते हैं, छोटा सा बीज होता है इसी शेप में और साइज़ उसका काफ़ी छोटा होता है, तो ये इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पॉट है बड़ा सा, जिसमें गुड़हल है, मैंने शेयर किया था, इसमें बहुत सारे ये जो मैरीगोल्ड हैं उसके प्लांट्स लगे हुए हैं, वो भी ये भी कहीं पे सीडलिंग लगी होगी तो शायद वहाँ से निकाल के इसमें लगा दिए हैं मदर ने। तो ये भी शायद फूलों वाले ही हैं क्योंकि मदर ने काफ़ी सारे सीड्स इस बार लगाए हैं, अभी देखो होते हैं या नहीं। तो इधर तो विन का ही है काफ़ी सारे और साथ में मैरीगोल्ड है, तो इसकी पिंचिंग शायद करने वाली है या कर दी गई है, तो किसी किसी की हो चुकी है। तो ये भी एक मुझे फूलों वाला ही लग रहा है, या तो ये मुझे इसका नाम भी नहीं याद आ रहा क्या था, ये भी काफ़ी खूबसूरत होता है, तो ये लग रहा है। और बाकी सारे नीचे तो विन का है, ये मुझे लग रहा है कि अपने आप ग्रो हो गए हैं सीड्स गिरने के कारण। और ये भी सारे इसमें मैरीगोल्ड है और साथ में ये सारे सीड्स हैं, ये भी सलूशिया के लग रहे हैं या फिर कोई और होगा, ये जब निकलेंगे तभी पता चलेगा। तो ये भी सीड्स हैं सारे, और इसमें ये तुलसी का प्लांट लगा हुआ है एक, और साथ में मैरीगोल्ड है, और यहाँ पर भी ये सारे छोटे छोटे पौधे फूलों वाले ही हैं। इसका भी मुझे अभी नाम नहीं पता, देखने में तो ये जो वाइट कलर के एक फूल होते हैं शायद वही लग रहे हैं। उसके बाद ये सिलोशिया का है, और ये सारे के सारे सेम हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है और इसमें फूल भी आ रहे हैं। वैसे तो ये शायद गर्मियों में होते हैं, तो गर्मियों के हैं बाकी पता नहीं, तो इसमें सारे मुझे लग रहे हुए हैं, तो काफ़ी सारे सीड्स इसके होंगे। तो मदर ने एक ही पॉट में डाल दिए और कुछ इसमें डाले हैं, तो सारे ग्रो हो चुके हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इनको अलग से प्लांटिंग इसकी करनी पड़ेगी तभी सही रहता है, नहीं तो एक में अच्छे से फिर फूल आ नहीं पाते हैं उसी हिसाब से। और यहाँ तो ये जीनिया का जो मैंने शेयर किया था वही है, इसमें काफ़ी अच्छी अभी जो फ्लावरिंग है हो रही है। और इधर है ये येलो वाला, और एक है ये पॉट, इसमें लगा हुआ था आज क्या,
इस वाले पॉट में भी आज एग्लोनिमा का प्लांट एक लगा हुआ था, लेकिन उसकी कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो इसके साइड में ये छोटे छोटे से ये भी मदरबोर्ड तो फूल वाले पौधे हैं, तो इसको निकाला नहीं है, बस मैंने बीच में से प्लांट निकाल के रिपोर्ट किया है, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और इसमें छोटे छोटे से ये फूलों वाले ही सीड्स लगे हुए हैं, और एक ये है इसमें या तो मिर्ची के हैं या फिर फूलों के, और साथ में ये भी छोटे छोटे से सीड्स नज़र आ रहे हैं। इसका जो सीड्स के लिए जो मिक्सचर बना हुआ है ये काफ़ी अच्छा है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सर्दियों की ये सारी सीडलिंग है जो मदर ने तैयार की है। सर्दियों में आने वाले जितने भी फूल उनके पास थे सीड्स पुराने टाइम के इकट्ठे किए हुए, तो इस बार उन्होंने लगाए हैं, तो देखते हैं अभी कैसे ये ग्रो करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक करना, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।